वेजिटेबल भजिया के लिए मैंने एक कप पतली लंबी कटी हुई पत्ता गोभी ली है, 3/4 कप पतली लंबी कटी हुई शिमला मिर्ची, 3/4 कप घिसी हुई ग्रेटेड गाजर ली है और 1 कप पतला लंबा कटा हुआ प्याज लिया है। और सब्जियों के बाद सबसे आखिर में 1/2 कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी लेना है। सब्जियों में मिलाने के लिए 1 टेबलस्पून हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, 1/2 कटोरी चावल का आटा, 1/2 कटोरी बेसन, 1 टेबलस्पून दही, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 चम्मच तेल के, नमक, लाल मिर्च, जीरा पाउडर और चाट मसाला। कटी हुई सब्जियों में सबसे पहले बेसन मिलाते हैं, चावल का आटा मिलाया, दही डाल दिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट, बेकिंग पाउडर, 2 चम्मच तेल, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 टीस्पून नमक। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है सबको। इसको अच्छी तरह से थोड़ी देर तक ऐसे मिक्स करेंगे तो हम देखेंगे सब्जियां अपना पानी छोड़ने लगी हैं और ये भजिया के रूप में बन रहा है, पकौड़े के रूप में बन रहा है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट ढककर रख देंगे, तब तक सब्जियां अपना पानी छोड़ देंगी, फिर हम भजिया बनाएंगे। प्लेट को हटाने के बाद देखा है कि थोड़ा सा पानी इसने और ज्यादा छोड़ दिया है। कई बार सब्जियां ज्यादा पानी भी छोड़ देती हैं। उस हालत में हम इसमें 1 चम्मच बेसन और मिला देते हैं और बारीक कटा हुआ धनिया भी जो हमने रखा था वो भी मिला देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमारा ये भजिया का डो बिल्कुल तैयार हो गया है, अच्छी तरह से बन गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी भजिया निकाल कर एयर फ्राई करेंगे। एक प्लेट में थोड़ा सा तेल लगाकर हम इसमें भजिया निकालनी शुरू करते हैं। सब्जियों को हाथ में इस तरह से लेकर हल्का सा बॉल बनाकर दबाकर प्लेट में निकाल कर रखना है। इसको 2 से 3 मिनट माइक्रोवेव करेंगे जब तक ये पूरा सेट ना हो जाए। हमारी ये भजिया सेट हो गई हैं और थोड़ी फूल भी गई हैं क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर था। सब्जियां भी थोड़ी सेट हो गई हैं। अब मैं इसको थोड़ा ऑयल करके एयर फ्रायर में डालूंगी। इनको थोड़ा थोड़ा ऑयल करना है। आप इसमें ऑयल स्प्रे से भी स्प्रे कर सकते हैं तेल का और ब्रश से भी लगा सकते हैं एयर फ्रायर में डालने से पहले। हमारी भजिया माइक्रोवेव में सेट तो हो गई हैं पर थोड़ा थोड़ा इनको नीचे से निकालना पड़ेगा, ढीला करना पड़ेगा प्लेट से एयर फ्राई में डालने से पहले। एयर फ्रायर 400 डिग्री फारेनहाइट पर 4 मिनट के लिए मैंने प्री हीट किया है। अब मैं उसमें भजिया डालूंगी। भजिया को इस तरह से उठाकर उल्टा हिस्सा ऊपर रखना है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और इस तरह से पूरा एयर फ्रायर के बास्केट भजिया से भर देना है। माइक्रोवेव करने से ये फायदा है कि हमारी भजिया एयर फ्रायर के बास्केट को गंदा नहीं करती, चिपकती नहीं है
और बेकिंग पाउडर की वजह से थोड़ी फूल भी जाती है, अंदर से नरम और बाहर से क्रिस्प बनती है। अब मैंने एयर फ्राई में डालकर इसको 6 मिनट के लिए सेट कर दिया है, पर 3 या 4 मिनट के बाद एक बार निकाल के देख लेंगे, अगर वो ब्राउन हो गई है तो ठीक है, नहीं तो 1-2 मिनट और दे देंगे। 2 मिनट के बाद निकाल के देखेंगे, भजिया अच्छी ब्राउन हो गई है, क्रिस्प भी हो गई। वीडियो देखने के बाद कमेंट देना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल दबाइएगा अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।